सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत x प्लस वाई छोटा है बराबर 50 और 3x प्लस वाई छोटा बराबर 90, ये दो व्यवरोध हैं और ये तो हमेशा ही होते लगा रखे प्रोग्राम में समस्या में, x बड़ा है 0 से और y बड़ा, इनको क्या बोलते हैं? रेतर प्रतिरोध, आयनात्मक प्रतिरोध। और रोहित ये है अपना उद्देश्य फंक्शन जेड बराबर 4x प्लस वाई, इसका अपनों क्या ज्ञात करना है अधिकतम। तो एक एक करके ग्राफ खींचना सिखाएंगे आपको। सबसे पहले फर्स्ट देखिए, इसको असमीका बोलते, ये तो आप जानते हैं दी गई पहली असमीका है। समझिए x प्लस वाई छोटा है 50 से, तो असमता को समता से विस्थापित करने पर, नॉर्मली सेजल कोई ये लिखता नहीं है पर मैं लिखता हूँ, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब इसका अपन को एक ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है? समता का नहीं असमता का, लेकिन पहले समता ही का खींचता है। तो कोई भी दो बिंदु चाहिए जो इस रेखा पर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेंगे 50 90 इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो हमारा ग्राफ 1 2 3 4 नहीं 10 20 30 40 होना चाहिए। तो एक मैंने वैसे आपको बताया कि आपको पहले से यहाँ पे अगर प्रथम चतुर्थांश ही बनाना पड़ेगा बेटा, ज़्यादा तो बनाना नहीं पड़ेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 10 20 30 80 90 100, सेम यहाँ पे 10। बाकी चतुर्थांश अपन को बनाने नहीं है, क्यों नहीं बनाने वहां से? क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रतिरोध रहते ही 80 90 100। ठीक है बेटा, अभी आप सवाल पूरा कर लेंगे तो आपको तो आसानी होगी समझने में। चलिए, तो कोई भी दो बिंदु पर, मैंने आपको कैसे कहा था काजल कि सबसे श्रेष्ठ बिंदु ये है, जब x बराबर 0 तब y बराबर 50, जब तब x बराबर 50। लेकिन ये हमेशा काम में नहीं आएंगे, आपको x का ऐसा मान रखना है कि y का मान पूर्णांक आ जाए। मेरा मानना है कि पूर्णांक बिंदु बनाना क्या होता है, आसान। जब तक 0 से काम चलेगा ठीक, जैसे अब यहाँ 3x है 90 है तो 30 आ जाएगा भाग देने पर, कभी नहीं आएगा तो अपन बिंदु चेंज करेंगे, पर अभी हाल तो x बराबर 0 y बराबर 50। तो x पे देखना है 0, y पे बराबर, मतलब कुल मिला के y पे क्या देखना है 50। ये अपना बिंदु हो गया, इसका नाम जरूर लिखिएगा 0 50। समझ आया बेटा? अंशुल हमारा स्केल जल्दी फटाफट ज्योमेट्री बॉक्स में रखा है बड़ा स्केल, जब y बराबर 0 तब x बराबर 50। तो y बराबर 0 x बराबर, मतलब कुल मिला के क्या देखना है x बराबर 50, इस बिंदु का नाम 50 0। बिंदु का नाम लिखना आता है? अब इन दोनों रेखाओं को हम, सॉरी दोनों बिंदुओं को हम, तो जरूरी नहीं कि आप यही दो बिंदु लें, आप x का मान कुछ, जैसे हमने हमेशा 0 0 रखा है, आप कुछ और रखेंगे तो मान कुछ और आएगा, तो अपनी रेखा बन जाएगी। पर अपन को ये नहीं बनाना है, जल्दी लाओ बेटा अपन को। अच्छा हाँ, एक जरूरी बात बेटा, अगर ये शामिल होता है, ये क्या होता है, शामिल होता है तो रेखा पूरी बनाते हैं, और अगर ये शामिल नहीं होता तो रेखा बिंदुदार डैश डैश वाली बनाते हैं। शायद आपको याद होगा, मुझे पता नहीं, ये सब मान के चला जाता है कि आपको याद है, लेकिन मैंने कल आपसे एक भी बार नहीं कहा था, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, आपको सीख गया बेटा। अब सेकंड काम अपन किसके लिए करना है, सेम टू सेम दी गई दूसरी रेखा, अब थोड़ा सा स्पीड लगाएंगे अपन। दी गई दूसरी रेखा है, क्या है रोहित? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, यहाँ लिख लेना असमता को समता से विस्थापित, जब x बराबर 0 तब y बराबर 90, कोई दिक्कत? जब तीन एक्स बराबर लिख दे रहे, अरे अब लिख दे रहे, 3x बराबर 90 लिख दीजिए शांत, y पे 90 ठीक है, x पे 0, मतलब y पे कुल मिलाया क्या इतना देखना है 90, ये हो गया आपका y पे 90, ये हो जाएगा 0 90। हमारे से मत करना बिंदु, ध्यान से लिखना हमें सर, ठीक है। और x पे 30 y पे 0, तो x पे 30 है y पे 0। अब मान लीजिए कि आप तो ग्राफ पर बना रहे हैं बेटा, इसलिए आपका तो एकदम क्या बनेगा, सही बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो आपको विशेष बात, देखिए आपने x प्लस वाई बराबर 50 का ग्राफ खींचा, क्योंकि वो खींचना कौन सा था, x प्लस वाई छोटा है पर, तो छोटा कब होगा, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एक परीक्षण बिंदु, क्या लेना पड़ता है बच्चों, अगर आपकी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही तो मूल बिंदु से अच्छा कोई परीक्षण बिंदु नहीं होता। अगर आप इसमें रखेंगे
जीरो प्लस जीरो छोटा है 50 है, सही है। मतलब जिस तरह मूल बिंदु वही हमारा अभीष्ट क्षेत्र है। तो अपन ऐसे नहीं मान सके बहुत गंदगी से इतनी बड़ी बड़ी लाइन है। अगर आपको ज्यादा है तो आप थोड़ी बहुत लाइनें खींच लीजिए, वरना मैं तो यही सलाह देगा हूँ आप ऐसे कर लीजिए। मतलब इस तरफ का पूरा एरिया अपना है, कल मैंने पूरा पूरा भरा था मानसी, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको पूरा भरना है, कैसा भरना है, लंबी लाइन है। मतलब कुल मिला के इस रेखा के नीचे वाला एरिया क्या है रोहित, एक्स प्लस वाई छोटा है 50, और रेखा वाला बराबर 50 से, तो बराबर वाला ये है छोटा। अच्छा सेम यहाँ पे अपन ने रेखा बना लेंगे, पहले 90 और 30 को मिलाएंगे। तो मैं ये कह रहा था देखो बेटा आपके पास तो ग्राफ है, तो आप एकदम सही प्रतिच्छेद बिंदु पाएंगे। क्या पाएंगे? सही। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि प्रतिच्छेद बिंदु एकदम सही आए, पर एकदम इतना सही आए जरूरी नहीं है। 30 और को हमें मिलाना, मेरे पास इतना बड़ा स्केल भी नहीं है, कोशिश करता हूँ कि सही। चलिए ठीक है, ओके ओके मिल गया है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो गया है, इसको सही कर लेंगे अपन। हो गया, ओके चल जाएगा यार थोड़ा। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, पर अगर आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा क्या आएगा, वो आएगा 20 30। क्या आएगा बेटा? 20 30 आएगा। ओके, क्या आएगा? 20 30। तो अब बेटा सबको समझ में आया कि नहीं है? अब अपन को देखिए लिखा है 3x प्लस वाई छोटा है 90 से। क्या परीक्षण बिंदु अपन क्या लेंगे? वही 0 0। तो 0 प्लस 0 छोटा है 90 से, बिल्कुल सही। मतलब वही हमारा क्षेत्र है जो मूल बिंदु। सर अगर मान लो कभी नहीं आया, नहीं आया तो उल्टा वाला हो जाएगा। मान लो मूल बिंदु संतुष्ट नहीं किया तो इस तरफ वाला ना होके उस तरफ वाला। ये थोड़ी सी बात उनको समझ में नहीं आ रही जो कल आए नहीं थे। ठीक है, ये बेटा थोड़ा सा और मान जी बिल्कुल जरूरी नहीं, आप चाहें तो पूरा भर सकते हैं। अब बेटा देखिए ऐसा एरिया जहां ये भी हो और ये, अब देखो इनको अपन लंबा करेंगे, दिख गया बेटा, ये केवल इनको अपन लंबा करेंगे। आप चाहें तो सबको लंबा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको मानसी, तो ये जो एरिया है मानसी ये दोनों का है और ये कहलाएगा सुसंगत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? सुसंगत क्षेत्र। तो बेटा अपने सब बिंदुओं के नाम लिखे थे रोहित के लिए, मैंने आपसे कहा जरूर लिखना। आप अपन केवल इस बहुभुज में, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी, ओ ए बी सी क्या कहलाएगा बच्चों? सुसंगत क्षेत्र। और अधिकतम और न्यूनतम मान सुसंगत क्षेत्र किसी शीर्ष पर ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो लिखना था उन्होंने लिख लिया है कि दिए गए व्यवरोधों के निकाय, निकाय माने होता है समूह, मतलब व्यवरोध एक, व्यवरोध दो और व्यवरोध तीन, मतलब इन दोनों को एक ही बोल दिया है। ठीक है, इन सब ने जो क्षेत्र परिबद्ध किया है, क्षेत्र बनाया है ओ ए बी सी के द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी क्या है? परिबद्ध। ये लिखना बहुत जरूरी कि परिबद्ध, अगर ये खुला हुआ तो आपको पता पर समस्या क्या हो जाते हैं, असीमित हल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए सब उस तरफ आए होते तो उस तरफ ये जाते ही जाते फिर ये कोणीय बिंदु। ठीक है, तो अब परिबद्ध है इसलिए z का अधिकतम मान इसके किसी कोणीय बिंदु पर स्थित होगा। तो कोणीय बिंदु यहां पर क्या क्या है पहले हम लिख लेते हैं। एक है ओ 0 0, दिख गया सबको? एक है ए 30 0, एक है बी 20, एक है सी। अब z बराबर क्या है रोहित? देखो 4x प्लस वाई, z बराबर 4x के संगत मान रखिए बेटा, 0 0 रखिए, z बराबर 0 और 30 0 रखिए बेटा, जरा कल रखेंगे, आवाज नहीं आ रही, 120. z बराबर 120 30 रखिए विक्रांत, आराम से 20 चौके 80 और 30 110 और z बराबर कौन है अधिकतम मान लिखेंगे। अतः बिंदु 30 0 पर क्या z का अधिकतम मान 120 होगा। तुम सोच रहे थे हमेशा कहाँ मिलता है, कल का एग्जांपल याद है जब लोग सोच रहे थे इसी में मिलता है, लेकिन आज क्या है रोहित 30 0 पर अपन को क्या मिल गया, अधिकतम मान मिल गया।
कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर ये दिखने में तो 30-30 लग रहा है, बेटा ये मैंने हाथ से बनाया है। ठीक है, अब सुनिए ऊपर देखिए। देखो बच्चों, इन दोनों समीकरण को चाहो तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, और ये इन दोनों का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। क्या है बेटा? ऊपर देखो, 3x + y में से x + y गए तो 2x बचेंगे, वो y से y क्या हो जाएंगे, 90 में से 50 गए तो 40, 2x रहा 40 तो x का मान कितना आएगा 20, और x का मान 20 और 30 y का 50, 20 और 30 50, ये इन दोनों का क्या है, प्रतिच्छेद। अगर आपको ग्राफ नहीं है तो आप ऐसा करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु पहले अलग से, विलोपन विधि से निकाल लें, प्रतिस्थापन विधि से निकाल लें। ठीक है सर, तो इसमें पहला व्यवरोध क्या है, x + 2y > 10। इसको आप समता बनाएंगे तो x + 2y = 10, जब x = 0 तब y = 5। बताए कैसे आया, तो बिंदु क्या हो गया कीर्ति, 0, 5। क्या हो गया, 0, 5। जब y = 0 तब x = 10। सही है बेटा, अब पूरी बात को समझ लेना, पहले अपन बिंदु निकाला, ध्यान देना। सेकेंड, दूसरा व्यवरोध है बेटा 3x + 4y > 40 से 24। तो पहले समता से क्या बनाएंगे, असमता, 3x + 4y = 24। अब x = 0 तब y = 6, करके दिखाएंगे, जितनी स्पीड आपकी आएगी उतने आप आगे जाएंगे, x = 8। तो देखो बेटा यहां ध्यान दो जरा, उठाओ उनको, अधिकांश बिंदु चार, देखिए पाँच, ये है 0, 5, 10, 0, 6, तो मतलब अपन को 10, 20, 30 का ग्राफ नहीं बनाना है, 1, 2, 3, 4 का ग्राफ बनाना। देखिए मैं आपको बार बार ही समझा रहा हूँ कि मैं आपको केवल एक क्रिएटिव विजुलाइजेशन दे सकता हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं क्रॉस करा सकता, वो तो ग्राफ पे ही होंगे। चलिए फिर भी अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सही है। अब मैं नाप के थोड़ी बना रहा हूँ, देखिए तो पहला बिंदु चाहिए x = 0, y = 5, मतलब देखना ही नहीं है अपन को x पे, अपन को केवल y पे देखना, कितना देखना है 5। सही है, बिंदु का नाम रखें, आप बोले नाम 0, 5, बिंदु का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, और जो होशियारी हम करते हैं 5 में ही 0 बना देते, वो तुम ना करना। ठीक है, तुम्हारा ग्राफ अलग है, बिंदु अलग लिखेंगे। वर्तिका बेटा 10, 0। अब है मेन चीज जो बच्चे नहीं समझ रहे, जिससे नंबर मिलने हैं, कि ग्राफ ऊपर जाना है कि नीचे, और उससे भी जरूरी लोग ये नहीं समझ रहे कि सुसंगत क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, केवल इस पे गौर कर रहे, नीचे वाले पे नहीं कर रहे हैं, x + 2y बड़ा है 10 से, तो इस रेखा ने इस ग्राफ को दो अवतलों में व्यक्त किया, एक ऊपर एक नीचे। अब देखना है कि अपना क्षेत्र ऊपर वाला है कि नीचे वाला है। तो इसके लिए हम एक परीक्षण बिंदु लेंगे, क्या लेंगे, मूल बिंदु, रखो जरा 0 + 0 बड़ा है 10 से, नहीं, मतलब मूल बिंदु वाला एरिया सही नहीं है, तो कौन सा एरिया सही है, तो इस एरिया को अपन, अब मैं जैसा आपको भैया छोटी लाइन खींच के नहीं आ रहा समझ में, तो बड़ी लाइन खींच लीजिए, समझ में आया बेटा, ये खींच गई पहली लाइन, अब क्या खींचेंगे, दूसरी लाइन। बेटा आप ध्यान नहीं दोगे तो कभी नहीं बनेगा आप पे, x = 0, y = 6 ये मिल गया 0, 6 y = 0, x = 8 सही है। ये दोनों बिंदुओं को अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया। अब इसका ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे, नीचे जाएगा, 300 - 400 मतलब छोटा है तो कहाँ जाएगा, नीचे, ये इसका एरिया है। अब बेटा जहां काले और नीले दोनों प्रतिच्छेद किए हैं, ठीक है, वो क्या है, सुसंगत, तो यहां भी किए लेकिन ये प्रथम चतुर्थांश नहीं है, तो इतना किसी को नहीं देखा बच्चों, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, आपने ग्राफ खींचा है, फिर से बताइए। तो अब ध्यान दीजिए, ये सुसंगत क्षेत्र एक त्रिभुज है, क्या है, और उसमें 3 कोणीय बिंदु है ना कि 4। बेटा नहीं आया अभी समझ, थोड़ा बड़ा बना लेना तो समझ में आ जाएगा, पेंसिल से भर लेना, और क्या बोल सकते हैं हम, नहीं मतलब क्लियर देखना कि जहाँ काली लाइन दोनों मिक्स हो जाएंगी, मैंने लेवन तो खूब बनवाया, आपने बनाया, जिन्हें बनाया तो खुश हो गए होंगे,
चलिए सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बोल दी जल्दी से फटाफट बेटा, ए बी सी, ए बोलो 05, बी बोलो 40, सी बोलो 06। थक गए? किसका मान निकालना बताओ जरा, कितना है Z बराबर? बोलिए, घबराए नहीं, मान रखें 200x प्लस 5। रितेश जरा गौर करो बेटा, x का मान 0 गया, 25 2 4 8 800, 5 3 15, 15 और 8 23, 6 5 6 30, 3000। अधिकतम मान नहीं निकालना है तो लिखेंगे आता है बिंदु 4 3 पर फर्ण का अधिकतम मान 2300, मान में आए न्यूनतम मान 2300। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और इस में ऋणेतर व्यवरोध के अलावा हमेशा 2 व्यवरोध दिए रहते, पर इसमें ऋणेतर व्यवरोध के अलावा 3 व्यवरोध दिए, मतलब x बड़ा 0 बाहर दी रही है, आप सब व्यवरोध साथ में ही लिख सकते हैं। तो ऋचा पहला व्यवरोध क्या है बेटा, पढ़ो, x प्लस 3y छोटा या बराबर है, तो सबसे पहले समता को असमता से विस्थापित, ये लाइन आप जरूर लिखें, ठीक है, जब x बराबर 0 तब y बराबर 20, आई होप आपको ये समझ में आया हो, जब y बराबर 0 तब x बराबर 60, लगभग 60 तक अपन को जाना है। पहले बिंदु में आपसे यही कहता हूँ, पहले सारे बिंदु आप निकाल लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि ग्राफ कैसा बनाना है। सेकंड बोलेंगे, दिया गया दूसरा व्यवरोध है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सही है, समता को बोलो बेटा, हम अकेले बोलेंगे तो कैसे, जब x बराबर 0 तब y बराबर 10, जब तब x बराबर 10, तो ज्यादा नहीं समझ, 10 चाहिए। तीसरी बोलिए, जो पहली बार ऋणेतर व्यवरोध के अलावा तीसरा व्यवरोध आया है, और दो ही तीन व्यवरोध जितने चाहो उतने हो सकते हैं, इसलिए आपको ग्राफ खींचना ही आना चाहिए, ठीक है, बताइए नेक्स्ट। तीसरा आएगा x, मतलब देखिए बेटा गौर कीजिए अंचन, x बराबर y, जब x बराबर 1 तब y बराबर 1, जब x बराबर 2 तब y बराबर 2। रोहित ये ग्राफ मूल बिंदु से होकर जाएगा, कैसे होकर जाएगा, आप सभी जानते हैं ऋचा कि जब क्या नहीं होता बेटा, तब ग्राफ मूल बिंदु से होकर जाता है, समझ में आया बेटा। अब प्रॉब्लम से बड़ी क्या है, आप तो बड़े ग्राफ खींचेंगे तो आपको तो प्रतिच्छेद बिंदु दिख जाएंगे, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि दो दो लेना अपनी सेहत के लिए मानसिक हानिकारक हो सकता है, बिकॉज हम ग्राफ 10 20 20 का बनाने वाले, क्योंकि देखिए अधिकांश 10 10 20 60, तो ये अपने थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ग्राफ 5 5 का बनाएं, कितने कितने का बनाएं, और हम यहाँ बिंदु ले लेते हैं 5 5, ठीक है, तो इसका अंतर रहेगा 5 5 5 10 15 20, और x का मान कहाँ तक जा रहा है रोहित, 60 तक, तो थोड़ा सा लंबा बनेगा, है ना, x का मान थोड़ा सा क्या रहेगा लंबा, 5 5 तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। वैसे y का मान ज़्यादा जाना नहीं है, पर फिर भी अपन बना लेते हैं, 5 10 15 20 25 30, अरे बेटा प्रतिच्छेद बिंदु भी तो कोई चीज़ होती है, अपने मन से पहले बनाएं सीखें फिर कुछ आगे बढ़ें, नहीं बनाओगे सर के भरोसे पास सवाल सर निकाल दी कर दिए, अब तक आप खुद 10 सवाल हैं तब मास्टर नहीं होगे इसमें, मास्टर नहीं हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो कोई भी आ जाएगा, ये वो चैप्टर्स हैं कि अगर इसमें मास्टर आप हो गए तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम तो कोई भी आ जाए हम तो कर ही देंगे, बाकी आप जानो, और 40 45, ठीक है। चलिए तो अब बेटा पहला बिंदु है 0 20, बेटा 3 बनेंगे खिचड़ी मच जाएगी, आप ध्यान नहीं दे रहे, दिख गया सबको, सबके नाम रखने की जरूरत नहीं है, सही है, अभी हम बताएंगे किन के नाम रखने। अगला है
एक्स पे गलत लिख दिया, ये वाई 20 है, सही है। अब अच्छा एक्स पे 60 दिख गया, इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिया, मिला दिया। सही है बेटा। चलिए अब ऊपर के नीचे छोटा है, क्या है, छोटा है। तो नीचे ही आएगा, जब तक माइनस माइनस का चिन्ह नहीं आता है तब तक नीचे छोटे भाई नीचे आते, और हाँ ये माइनस 60 होता फिर होती प्रॉब्लम, फिर क्या होती, पर अभी हाल तो 0 प्लस 0 छोटा है 60 से, मतलब नीचे वाला एरिया अपना आ जाएगा। तो बेटा इतना ही सही है मेरे हिसाब से, सुन रहे हैं आप, बहुत गंदगी हो जाती, बाकी आप लंबी लाइन खींचना चाहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे, देखो हम वो कम से कम 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास जो फट से बना रहे हैं, और आप क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि आप 11th से प्रैक्टिस नहीं की, तो यहाँ डबल टाइम देना पड़ेगा आपको। 0 10 0 10, तो कुल मिला के अपन ये दो बिंदु ले लेंगे रोहित, सही है बेटा, और इन दोनों को अपन मिला देंगे, ये आगे जाके रोहित कहीं काटेंगे, पर इस कटान में हम मतलब नहीं है, क्योंकि सुसंगत क्षेत्र का शीर्ष तो कहाँ होता है, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि रेडित विरोध होते ही होते हैं, विरोध पहले पूरे लिखा करो, दिए गए विरोध फिर एक एक करके सॉल्व किया करो, ठीक है, ताकि वो दो विरोध लिख दो, एक्स बड़ा है 0 से और बाय, वो लिखे या ना लिखे वो लिखे हुए रहते हैं हमेशा, ठीक है। मानसी आखिरी बेटा इसमें बड़ा है, क्या है, बड़ा, तो गौर करो कॉमन वाला एरिया बहुत सारा आ गया है। अब अगर इसमें तीसरा विरोध नहीं होता तो ये बात छोड़ दो, बाकी ये देख रहे आपको ये पूरा क्या हो जाता, कॉमन एरिया, नहीं आया समझ। अब आखिरी एक बिंदु है 0 0 और एक बिंदु है 5 5, सही है, इन दोनों को बेटा अपन मिला देंगे, थक गए। चलिए x छोटा है, मतलब x माइनस वाई, रोहित x माइनस वाई छोटा है काय से, 0 से, 0 से छोटा है मतलब ऊपर के नीचे, अब है अब प्रॉब्लम, क्योंकि यहां 0 0 नहीं रख सकते, तो यहां कोई बिंदु रख लेते हैं, इस बिंदु का नाम बोलो, 15 5, 15 में से 5 का 10 छोटा है 0 से, नहीं वो तो बड़ा है, मतलब इस तरफ वाला एरिया नहीं आएगा, ऊपर वाला एरिया है, धीरे धीरे आने लगेगा समझ में, आने लगा है। अब आप बताइए तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है, जहां तीनों है, ये दिख गया सभी को, इस एरिया को अपन शेडेड कर देंगे, इसका नाम अपन रखेंगे, मान ये बिंदु आप पता होना जरूरी है, जो आप मुझे देखकर बताएंगे, ए बी सी डी, ये वाला बिंदु है 0 10 0 10 और ये है 0 20। अब आपको ये दोनों प्रतिशत बिंदु ग्राफ में देख के बताने हैं, बिल्कुल सही जवाब, ये बिंदु है 5 5 और ये 15 15, सबको समझ में आया, इसका हर बिंदु ऐसे ही होगा, इस रेखा का हर बिंदु ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे x बराबर क्या है, y, समझ में आया। चलिए शीर्ष अपने आ चुके हैं बेटा, विशेष ध्यान देना है वरना दिक्कत हो जाएगी आपको, यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, इस तरह अपन सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष या कोणीय बिंदु, और यहाँ z बराबर सवाल में पढ़ना पड़ेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस सवाल में चलने वाला है, पता ध्यान दीजिए आप। चलिए शीर्ष बोलिए मानसी, ए 0 10, बी बोलिए बेटा, सी बोलिए, डी बोलिए 0, आशा करता हूँ कि आप ध्यान दे रहे हैं, ध्यान मानसी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे ना, 0 10 रखिए 90, सही है, 5 5 3 9 5 60 15 15, हाँ 15 3 15 15 रखना है, 9 3 12, ठीक है 15 12 180, 20 20 नम्मा 180। सर आंसर क्या लिखें, अधिकतम मान है तो 180, यहाँ भी 180, तो अधिक पहले आप समझ लीजिए, आंसर में हम ये लिखेंगे कि सुसंगत क्षेत्र के दो कोणीय बिंदु कौन कौन से, 15 15 और 0 20 पर अधिकतम मान 180 प्राप्त होगा, ठीक है। अब सर आप बोल रहे थे एक पे प्राप्त हो, दोनों पे हो गया, अब आप समझिए यहां आता एक नया कंसेप्ट, जो मैंने कल आपको बताया समलाभी रेखा, सी और डी दिख रहा है, दिख रहा है
इस रेखा पे जितने बिंदु हैं सब रखो, सब पे 180 आएगा। रखो ग्राफ बनाए हो तो बिंदु दिख रहा होगा, ग्राफ बनाए हो तो बिंदु दिख रहा होगा। इस रेखा पर जितने बिंदु हैं उन सब पर क्या आएगा, 180। नहीं आ रहा समझ, ऊपर देखो कोई बिंदु नहीं, ये तो पता है, नाम बता दो उसका, 60 रखो। हाँ आवाज नहीं आ रही, ठीक है, आप यहां प्रति बिंदु देख, तो इस रेखा पर जितने बिंदु हैं सब पर क्या आएगा, 180। अर्थात बिंदु सी और डी को मिलाने वाली रेखा एक समलाभीय रेखा, कल बताया था लेकिन कल समझ में नहीं आ रहा था, मतलब आ गया मेरे कहते हाँ सर हो गया, हो सकता शायद किसी पे लाभ कैसा आए समान, पर आज अपन को एग्जाम्पल मिल गया कि समलाभीय रेखा क्या होती है। ठीक है, आज की एकदम परफेक्ट क्लास होने वाली, बिल्कुल जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अभी हमने एक सवाल किया था, सुसंगत क्षेत्र नहीं आया था क्योंकि वो दोनों कहीं पे भी मिल नहीं रहे थे। इसके बाद हम जितने सवाल किए सब में एक चतुर्भुज बन जाता है, एक बंद क्षेत्र बन जाता है। ये प्रमेय है असल में कि बंद क्षेत्र के शीर्ष पे मिलता है अधिकतम या न्यूनतम, लेकिन हो सकता है, और अभी अपन को क्षेत्र नहीं मिला, अब हो सकता है क्षेत्र भी मिले लेकिन वो बंद ना हो, तब क्या करेंगे वो इस सवाल में अपन सीखेंगे। वो काफ़ी अगर आ गया तो सवाल सब गलत ही करके आएंगे। बेटा उद्देश्य फलन जेड बराबर 1250 एक प्लस बी माइनस माइनस है, और व्यवरोध है 1 2 3 4, ये दो कॉमन है ऋणात्मक व्यवरोध, 2x - y ग्रेटर देन -5, पहली बार -5 आया तो आपको काफ़ी मजा आएगा। तो इन व्यवरोधों को पहले पर खींच लेते हैं, सबसे पहले पहला व्यवरोध है 2x - y इज ग्रेटर देन -5, असमता को समता से विस्थापित जब, ध्यान दीजिएगा, x = 0। पहली बार ऐसा है कि हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है, -y = -5, y = 5 जब x = 1। सुन लो, अब बच्चे बोले सर y = 0 रखिए, तो x = -5/2 क्या आएगा, अगर मान लो अपन y = 0 रखे तो x = -5/2, -2.5। ऐसा नहीं कि आप -2.5 बना नहीं सकते, लेकिन उस चक्कर में आपको ग्राफ इस तरफ ले जाना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। तो हमें तो कोई भी दो बिंदु चाहिए, तो दो बिंदु अपन को मिल जाएंगे, x = 1 रखिए, 2 एकम -y = -5, -5 इस तरफ ले आओ प्लस के, और -y उस तरफ प्लस के, y का मान आ गया 7। नहीं आया समझ में, ये की थी पहले व्यवरोध के बिंदु हो गए। अब देखेंगे दूसरा व्यवरोध, थक गए क्या, जब सॉरी पहले पढ़ो, ऐसे क्या मरे मरे पढ़ रहे, 3x + y छोटा है बड़ा है बराबर है, रोहित जब सॉरी असमता को समता से, जब x = 0 तब y = 3, जब y = 0 तब x = 1। मैं 0 रखने के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो 0 तो मैं कहाँ ले जाए, माइनस, बना तो कोई बड़ी चीज बना तो हम तब भी देंगे रोहित, लेकिन फ़ायदा क्या है इसे, अपन को अपना सवाल सही तरीके से करना है। काजल बेटा अगला व्यवरोध, असमता को समता, अच्छा बड़ा समय बराबर जरूर लगाया, क्यों कहीं अपन को डॉटेड लाइन ही खींचनी पड़ी। मानसी बेटा जब x = 0 तब y का मान आएगा -4, क्या आएगा, -4, और हम माइनस वाले की तरफ जाना नहीं चाहते, तो अपन क्या कर रहे हैं मानसी, जब y = 0 तब x = 6, कोई दिक्कत, जब y = 2 तब x = 3, नहीं एक मिनट आएगा, y = अपन ने रखा मान लो 2, तो 9 कितना आएगा, 9 चल जाएगा बेटा, अगर आप चाहें तो मैं नहीं बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है चल जाएगा। अब रोहित अपन क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ को स्पष्ट बनाइएगा, पूरा पूरा भर के गंदगी मत कीजिएगा, इसमें अभी और भी कई चीज़ें बननी है, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसमें अभी और भी कई, इसमें कई और ग्राफ भी बनने हैं, ठीक है चलिए। तो मान देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अपन को 1 2 3 कर लेना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले रेखा खींचेंगे, बताइए सर
ये 05 y दिख रहा है, पांच दिख रहा है, एक सात, एक सही है रोहित। ये इन दोनों बिंदु को क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया। अच्छी बड़ी सी यहाँ पर रेखा खिंच जाएगी जिसको ढाई पर प्रतिच्छेद करेगी, पर अपन ने वो बनाया नहीं। अब रोहित आते हैं ऊपर के नीचे। अब बोलो क्या नाम इसका, तेरा नाम भूल गया, रितेश, बोलो रितेश। ऊपर के नीचे चलिए मूल बिंदु रख के देखते हैं आराम से। जीरो देख लो ऊपर नीचे, जीरो 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 बड़ा है माइनस पांच, सही के गलत, सही है। तो माना जिस तरफ क्या है मूल बिंदु, वही हमारा सही क्षेत्र है। भैया ऊपर बोल रहे थे क्या आएगा नीचे, किसी को भी बेटा बात समझ में नहीं आती, भैया बता दीजिए आती है कि नहीं आती। रितेश नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट रेखा खींच लेंगे बेटा, 03 y पे 3 दिख गया होगा मेरे हिसाब से, कर लो खूब बात है, x पे 1 दिख गया। इन दोनों को अपन मिला देंगे, सही है। नाम लिख सकते हैं आप चाहें तो उनके रेखाओं के बराबर वाले नाम। क्या चाहिए, 3x प्लस y बड़ा है 3 से। मूल बिंदु इस तरफ है मानसी, इस तरफ के क्षेत्र में रख के देखो, 0 बड़ा है 3 से, नहीं समझे बेटा। मूल बिंदु रखोगे तो 300 0 प्लस 0 बड़ा है 3 से, नहीं बड़ा है 3 से, तो मूल बिंदु वाला एरिया सही नहीं है। सही कौन सा है, उस तरफ वाला। अगर इनको बड़ा करें तो काफी सारा एरिया क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। रोहित नेक्स्ट, y बराबर 0। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, अरे सर को कहा मन रहो है मोरों पे काय परेशान हो रहे। y पे 2 x पे 9, अब आएगा मजा। y पे 2 सही है, अब वर्तिका इन दोनों को मिला देंगे, सही है बेटा। अब इस रेखा का नाम क्या हो गया आपका, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब रोहित छोटा है 12 से, क्या है छोटा, तो ऊपर के नीचे करके देख लो, क्या रख लो मूल बिंदु, मूल बिंदु वाला एरिया क्या है रोहित, 0 0 0 छोटा है 12 से, तो जिस तरफ मूल बिंदु है वो एरिया सही है, मतलब रितेश ऊपर वाला। आप जरा मेरे प्रिय भाइयों बहनों ध्यान देंगे, इसको बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे और इसको, तो ये कॉमन तो एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। इस बहुभुज में गजब भुजाएं हैं 1 2 3, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बंद नहीं होगा, क्या नहीं हो रहा, आप इसको ये नहीं बोल सकते रोहित कि इसका कोई हल नहीं, क्यों नहीं, क्षेत्र परिबद्ध नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बिंदु है जो सभी को संतुष्ट करते हैं। तो कोणीय बिंदु है, 3 है कोणीय बिंदु, 1 2 3 चार, चार बिंदु पढ़ो बेटा रोहित, बोलिए बोलिए, 05 05 ये वाला 03 थक गए, 10 दिख रहा है कि काले पेन से लिखें, 03 10 और 60 कितना है 60। अब बेटा बिंदु तो हैं और कोणीय बिंदु भी हैं और इन पे मान भी निकलेंगे, मान भी निकलेंगे, ठीक है चलिए मान निकालते हैं। सेजर इसका नाम रख लेते हैं बेटा ए, इसका बी सी डी, ए बताइए सेजर, 05 बी बताइए, 03 सी 10 और डी 60। चलिए मान निकालेंगे, जेड बराबर क्या है -50 एक्स प्लस 20 वाई। अब बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको छोटे बच्चों की तरह मान रख के दिखाऊं, 100 आएगा,
तो अगला तुम बता दो फिर, यस्तर बोल रहे तो। माइनस 50 और लास्ट माइनस 30। तो मानसी 6-0 पर सबसे ज्यादा कम मान आया, माइनस 30। लेकिन लफड़ा ये कम तो है, पर ये सबसे कम है कि नहीं ये नहीं पता, ये सबसे कम है कि नहीं ये नहीं पता। क्योंकि अगर सुसंगत चित्र क्या होता है, परिबद्ध, उसमें तो था ही नहीं इसके पहले वाले सवाल में, तो बातें खत्म, कोई खिचड़ी नहीं इसमें है। देखो रोहित, और इसमें चार सी पर ये यहां से क्या हो गया है, खुल गया। तो सुसंगत चित्र है तो, पर परिबद्ध नहीं। अपना क्वेश्चन हो गया है, माइनस 300 आ गया है। तो ये माइनस 300 न्यूनतम मान है, पर सबसे कम ये है कि नहीं ये नहीं पता। हमारे अकॉर्डिंग, शीर्षों के अकॉर्डिंग ये है। अगर परिबद्ध आता तो हम थूक के बोलते कि हाँ यार इस बिंदु पे न्यूनतम है, इस शीर्ष के सारे बिंदु, पर इस तरफ की शीर्ष वो तो पता है ही नहीं, तो वो तो रख के देखे ही नहीं, और रख के नहीं देखे मतलब है ना। तो ये इनमें सबसे कम है, पर ये सभी बिंदुओं में सबसे कम ये हम कहे नहीं। इसके लिए एक अलग से काम होता है, वो अपन करेंगे इसके बाद। इतना तो सबसे कम, इन सब बिंदुओं में ये सबसे कम है मानसी। ठीक है, अच्छा मानसी बेटा, हमने यहाँ देखा कि सारी टेबल में अपन ने मान निकाल ली, सबसे कम मान क्या आया, माइनस 30। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जेड का मान इससे कम नहीं होगा। देखिए गौर कीजिएगा मानसी जरा, बिंदु 6-0 पर जेड का मान कितना आया, माइनस 300। तो जब ऐसा हो जाता हमें डाउट नहीं आता कि यार इससे कम कोई मान हो सकता है, लेकिन कब, जब क्षेत्र क्या होता है, परिबद्ध। हो सकता है रोहित ऐसा कोई बिंदु हो, ऐसा कोई बिंदु जिस पर जेड का मान क्या हो जाए, माइनस 300 से भी कम हो। अगर ऐसा बिंदु हुआ तो मतलब ये माइनस 300 न्यूनतम मान नहीं है। फिर से बोलेंगे माइनस 300 न्यूनतम मान नहीं है। तो अब हम खोज रहे हैं कि क्या ऐसा कोई बिंदु है। इसके लिए हम एक आरेख बनाएंगे कि Z माइनस 300 से छोटा। अगर ऐसा बिंदु होगा तो ये ग्राफ भी इसी ग्राफ में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, और ऐसा बिंदु नहीं होगा तो वो इस ग्राफ में प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो Z का मान बता दीजिए मान से देख के बेटा, माइनस 50x प्लस 20y छोटा है माइनस 300 से। मानसी अगर माइनस का भाग दे रहे हो तो फिर पलटेगा फिर चिन्ह, तो बहुत ध्यान देना वरना डिसाइड नहीं कर पाओ। तो मैं माइनस 10 का भाग दे रहा हूँ, काय का भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, प्लस की जगह छोटे की जगह बड़ा, और बराबर नहीं आएगा 30। समझ में आया बच्चों, नहीं आया, माइनस वाला खींचना माइनस। अब इसमें बेटा पहली बार आपको डॉटेड लाइन खींचने मिलेगी। चलिए बेटा मानसी, जब y बराबर 0 बोलना ही पड़ेगा, तब x बराबर 6, जब y बराबर, रुक तो जाओ भैया, कभी जिंदगी में शांत तो रहा करो, जब y बराबर 5, 5 दूनी 10, तब x बराबर 8। चल जाएगा नहीं चलेगा, बनाना है माइनस वाला ही बनाना है, 6 x पे 6 दिख रहा है, अरे बने ही है, और 5 8 8 5 8 बिंदु देख गया मानसी, इन दोनों बिंदुओं को अपन क्या कर देंगे, मिला देंगे। लेकिन ये लाइन जो है थोड़ी सी पूरी नहीं, डॉटेड रहेगी, क्यों, क्योंकि इसमें वो शामिल नहीं है, मैंने 11th ही बताया आप लोगों को। अब आता है बड़ा छोटा, तो बड़ा है 30 से, मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु कहाँ है, इस तरफ ऊपर रखो, 0 0, बड़ा है 30 से, बड़ा है 30 से, तो क्या ये इस क्षेत्र में है, जवाब है हाँ ये इस क्षेत्र में है। ये था उभयनिष्ठ क्षेत्र और इसका क्षेत्र, मतलब इसका मान इससे भी कम किया जा सकता है। Z का मान माइनस 300 से भी कम, हमने Z छोटा है माइनस 300 लगा इस सभी का, और उसमें माइनस क्षेत्र आ गया ये वाला, मतलब इसका मान माइनस 300 से भी कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मानसी, अभी जो तुमने बिंदु बनाया क्या बनाया बताना मानसी, 8 5, क्या बनाया 8 5 पे तो कितना आएगा, 300 ही आएगा, क्या आएगा 300, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 300,
नहीं आएगा। अरे यार, 5 8 40, 400, 20 5 100। पर इस क्षेत्र का कोई बिंदु लोगे ना तो मान -30 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन से क्षेत्र का रोहित? इस क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि जो हमने रेखा खींची है उन दोनों में क्या है, -ष्ट है, मतलब ऐसे बिंदु हैं जिन्हें मान -300 से कम, बराबर वाले नहीं, मतलब ऐसे बिंदु हैं जिन पर मान -300 से कम हो जाएगा। कंचन बेटा, इस एरिया में, वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात, आप लोग एक आध कोई बिंदु देख के बता दीजिए इस एरिया में, ताकि बात थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए। आ जाएगा बिंदु में 7 1 आ जाएगा कि 7 2 आ जाएगा, 8 2, 8 2 पक्का रोहित, 8 2 इस एरिया में है रोहित। रखो 400, 20 2 40, ये और कम हो गया, -360, 300 से भी क्या हो गया, कम, मतलब ये न्यूनतम मान नहीं है, इससे भी न्यूनतम मान होंगे, पर चूंकि सुसंगत परिबद्ध नहीं है इसलिए हम ज्ञात नहीं। अब मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, आप इस सवाल को फिर से करना अधिकतम मान के लिए, काहे के लिए, तो अगर सीरीज के अकॉर्डिंग जाए रोहित तो अधिकतम मान क्या है, 100, क्या है, 100, लेकिन सबसे अधिकतम मान है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या खींचना पड़ेगा, बड़ा वाला ग्राफ, कौन सा वाला, तो वो नीचे नहीं वो ऊपर आएगा, उसमें भी क्या हो जाएगा, क्षेत्र के साथ क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो मतलब ऐसे बिंदु हैं जो बड़ा है छोटा नहीं आया समझ। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है नंदनी कि ये ग्राफ क्या नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता, फिर क्षेत्र बदल ना होने के बावजूद भी वो आपका क्या हो जाता है, न्यूनतम मान या अधिकतम मान हो जाता है। किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई, ये करा नहीं था, चलो हो गया। तो मतलब अपना आंसर में क्या लिखेंगे कि ऐसे भी बिंदु हैं जो इससे भी कम, मतलब -300 न्यूनतम मान नहीं है।